नमस्कार दोस्तों, मैं ध्रुव आपको बहुत बहुत स्वागत करता हूँ हमारे चैनल प्रोग्रामिंग प्रोटीन हिंदी में। तो दोस्तों, पिछली वीडियो में हम जैसे कि लूप के बारे में बात करी थी, तो आज की इस वीडियो में हम उससे रिलेटेड कुछ प्रोग्राम्स करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि हम पिछली वीडियो में बात कर ही चुके हैं, लूप लूप क्या होते हैं, लूप कैसे काम करते हैं, लूप की जरूरत हमें क्यों पड़ती है, तो आज की इस वीडियो में हम फॉर लूप, पर्टिकुलरली फॉर लूप पर ही वर्क करेंगे, उससे रिलेटेड कुछ प्रोग्राम सॉल्व करेंगे। तो चलिए सबसे पहले तो अपना कंपाइलर खोल लेते हैं और बात करते हैं कि क्या क्या हमारे पास आज प्रॉब्लम है। तो चलिए अपना कंपाइलर हम खोल लेते हैं और स्टार्ट टर्बो C++ और ये स्क्रिप्ट। तो दोस्तों, जो आज की हमारी प्रॉब्लम है, पहली वो है टू प्रिंट इंटीजर फ्रॉम 1 to 100। इस प्रॉब्लम के बारे में हम एग्जांपल ले लेके मैंने आपको व्हाइल लूप, फॉर लूप, इन तीनों में बता दिया था कि कैसे कैसे इनको सॉल्व करना है। तो आज हम इसको सॉल्व कर कर देखेंगे अपने कंपाइलर के ऊपर, ठीक है। तो इस प्रॉब्लम में हमें क्या करना है, इंटीजर प्रिंट करानी है 1 से लेकर 100 तक। तो सबसे पहले तो हेडर फाइल इंक्लूड करानी पड़ेंगी, स्टूडियो डॉट एच और कोनाइयो डॉट एच, क्योंकि प्रिंट फंक्शन यूज करना ही है हमें, ठीक है। तो कोनाइयो डॉट एच की अपने हेडर फाइल इंक्लूड करा दी। उसके बाद हमें मेन फंक्शन को डिक्लेयर करना पड़ेगा, तो वॉइड टाइप का कर लेते क्योंकि इसमें कोई रिटर्न टाइप तो है नहीं, कुछ रिटर्न तो लेना नहीं है हमें फंक्शन से, तो वॉइड कर दिया, वॉइड मेन हो गया। तो मेन फंक्शन के डिक्लेरेशन के बाद हमें वेरिएबल को डिक्लेयर करना पड़ेगा। जैसे कि हमने मैंने आपको बताया था कि फॉर लूप के अंदर 3 पार्ट होते हैं, पहला तो वेरिएबल इनिशियलाइजेशन, कंडीशन और अपडेशन। तो सबसे पहले हमें वेरिएबल जिस पर वर्क करना है उसे इनिशियलाइज करना पड़ेगा। इनिशियलाइज हम बाद में करेंगे, डिक्लेयर कर दिया हमने ऊपर, ठीक है। उसके बाद क्लियर स्क्रीन प्रिंट कर दिया, इंटीजर टाइप का हमने ले लिया है क्योंकि हमें इंटीजर प्रिंट कराने हैं, ठीक है। तो मेन कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या होगा। तो सबसे पहले हमें फॉर लूप लगा देते हैं, उसके बाद पहले हमें वेरिएबल को इनिशियलाइज करना है। तो हमें 1 से प्रिंट कराने हैं, तो सबसे पहले 1 से इनिशियलाइज कर देंगे, तो i=1, ठीक है। अब इनिशियलाइजेशन के बाद सेकंड ब्लॉक में जो हमें काम करना होता है वो करना होता है कंडीशन। तो कंडीशन क्या है, यहाँ पर कंडीशन ये है कि इंटीजर जो है प्रिंट होने के लिए वो 100 से या तो बराबर हो या 100 से छोटा हो, क्योंकि हमें 100 तक तो प्रिंट कराने हैं ना, तो 100 से छोटा हो या 100 के बराबर हो, तो आई इज लेस देन इक्वल टू 100। अब तीसरे में हम वेरिएबल को अपडेट करना है, तो सीधे i++ लगा देंगे क्योंकि हमें 1, 2, 3, 4, 100 तक प्रिंट कराने हैं इंटीजर। तो हमें यहाँ पर वेरिएबल अपडेशन लगाना है, तो अपडेशन के लिए हम यहाँ पे i++ कर देंगे ताकि वेरिएबल अपडेट होता रहे और i 1, 2, 3, 4 ऐसे करके 100 तक प्रिंट होता रहे, ठीक है। तो अगर हम इसकी वर्किंग की बात करें, तो पहले तो अपना मेन कॉन्सेप्ट लगा देते हैं प्रिंट एफ स्टेटमेंट के लिए, क्योंकि फॉर लूप के अंदर लगा देंगे। तो पहले तो हमें ब्रेसेस लगाने पड़ेंगे, ठीक है। तो सॉरी, हाँ, ये ब्रेसेस हो गए। अब इन ब्रेसेस का यूज क्या है, अगर हमें कंपाइलर को बताना है कि भाई फॉर लूप कहाँ से लेकर कहाँ तक कौन से स्टेटमेंट को बार बार हमें एग्जीक्यूट कराना है, तो हमें पैरेंथेसिस लगाना पड़ेगा। मतलब पैरेंथेसिस के बीच में जो भी स्टेटमेंट होंगे उनका सीधे रिलेशन होगा फॉर लूप के साथ, और उन्हीं स्टेटमेंट को वो फॉर लूप चला, जितनी बार फॉर लूप चलेगा उतनी बार वो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होते रहेंगे। तो हमें प्रिंट करा देना है %d और \n मैंने लगा दिया ताकि वर्टिकली प्रिंट हो जाए और थोड़ा अच्छा से लगे, क्योंकि अगर एक लाइन में होगा तो थोड़ा समझ में भी नहीं आएगा, कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, और %d सीधे रिफ्लेक्ट करेगा i को, ठीक है। तो ये हो गया प्रिंट एफ के बारे में बात, और इंटीजर ये प्रिंट करा देगा। सबसे पहले क्या हुआ, आई 1 से इनिशियलाइज होगा, 1 के बाद ये बीच में आएगा और कंडीशन चेक करेगा क्या जो 1 है वो 100 से छोटा है। अगर ट्रू हो कंडीशन तो वो अपडेशन पर नहीं जाएगा, सीधे बीच से ही नीचे आ जाएगा और प्रिंट करा देगा प्रिंट एफ आई, मतलब 1 प्रिंट करा देगा, ठीक है। फिर वो ऊपर जाएगा, फिर वो अपडेशन पे जाएगा और अपडेट कर लेगा वेरिएबल को, मतलब आई की वैल्यू होगी 2। फिर वो कंडीशन बीच में जाकर दोबारा चेक करेगा, ऐसे ही बीच में कंडीशन चेक करने के बाद फिर नीचे आएगा और फिर अपडेट, फिर नीचे, मतलब इस पूरी प्रोसेस चलती रहेगी। तो चलिए इसे कंपाइल करके देखते हैं आउटपुट क्या आएगा। देखिए 100 तक पूरी प्रिंट हो गई, क्योंकि ये स्क्रीन थोड़ी छोटी है, तो 100 तक ऑब्वियस बात है कि 1 से लेकर 100 तक तो स्क्रीन पर दिखा नहीं सकते। अगर आपको ये देखना ही है तो पहले मैं 100 की जगह पर 10 करके दिखा देता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि ये कैसे काम करेगा। तो देखिए 1 से लेकर 10 तक इसने प्रिंट करा दिए। ऐसे अगर आप 100 से करते तो 1 से लेकर 100 तक करा देता है, लेकिन स्क्रीन थोड़ी छोटी है तो ये पूरे स्क्रीन पर नहीं दिखा पाएगा, ठीक है। तो फॉर लूप ऐसे ही काम करता है, पहले इनिशियलाइजेशन, उसके बाद कंडीशन चेक, कंडीशन ट्रू तो एग्जीक्यूशन, एग्जीक्यूशन के बाद अपडेशन, फिर कंडीशन चेक, कंडीशन ट्रू, फिर एग्जीक्यूशन, फिर अपडेशन, फिर कंडीशन चेक, कंडीशन ट्रू, फिर अपडेशन, ऐसे ही करते करते पूरी प्रोसेस हो जाती है, और जैसी कंडीशन फॉल्स ये फॉर लूप से अपने बाहर आ जाता है, ठीक है। तो ये हो गया इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। अब अपनी दूसरी प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं दूसरी प्रॉब्लम हमें क्या मिलती है, ठीक है। तो दूसरी प्रॉब्लम जो है वो हमारे लिए है ये, तो दूसरी प्रॉब्लम है टू प्रिंट टेबल।
मतलब हमें एक प्रोग्राम बनाना है, यूजर कोई भी एक नंबर देगा उसकी ट्रेवल टेबल स्क्रीन पर प्रिंट हो जाए। अब टेबल कैसे होती है, जैसे 2 है तो 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, ठीक है। तो पहले तो हेडर फाइल इंक्लूड करा देते हैं, उसके बाद देखते हैं आगे क्या करना है। हेडर फाइल इंक्लूड करा दी, वॉइड मेन फंक्शन डिक्लेयर कर दिया, उसके बाद ब्रेसेस लगाना पड़ेगा हमें कंपाइलर को बताने के लिए एग्जिस्टेंस, ठीक है। ये स्ट्रक्चर तो आपको पता ही है, तो ब्रेसेस पुट कर देते हैं और आगे के प्रॉब्लम की तरफ, सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। अब हमें वेरिएबल को डिक्लेयर करना है। वेरिएबल इसमें कौन कौन सी यूज होंगे, सबसे पहले वेरिएबल होगा फॉर लूप के लिए आई, ये तो मस्ट है। फॉर लूप को प्रोग्राम करना है, आई वेरिएबल डिक्लेयर कर दो, आई मतलब आई जे के जो भी आपको करना है कर दो, एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दो। अब एक नंबर हमें एक वेरिएबल और डिक्लेयर कराना है, जैसे यूजर कोई नंबर देगा कि हमें इसकी प्रिंट टेबल प्रिंट करानी है, तो उसके लिए भी एक हमें वेरिएबल चाहिए। तो एक्स वेरिएबल हमने उसके लिए ले लिया, क्लियर स्क्रीन प्रिंट प्रिंट पुट कर दिया। उसके बाद अब हमें क्या करना होगा, अब हमें यूजर से मांगना होगा वो नंबर, तो प्रिंट एफ और स्कैन एफ स्टेटमेंट हमें यहाँ पर लगाने होंगे। तो चलिए प्रिंट एफ स्कैन एफ स्टेटमेंट लगा लेते हैं और फिर आगे बात करेंगे हम अपने, ठीक है। तो प्रिंट एफ स्कैन एफ लगाएंगे हम, तो प्रिंट एफ स्कैन एफ स्टेटमेंट ये हो, प्रिंट एफ में मैंने लिख दिया एंटर अ नंबर हुज टेबल यू वॉन्ट टू प्रिंट, ये ऑप्शनल है आप कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये तो मैंने प्रिंट एफ स्टेटमेंट लिख दिया और स्कैन एफ में मैंने एक्स के एड्रेस पर इसे स्टोर करा दिया, ठीक है। अब जो भी जिस भी नंबर की टेबल यूजर चाहता है उसकी टेबल यहाँ पर उसे मिल जाएगी, मतलब एक्स में स्टोर हो जाएगी, ठीक है। अब हमें फॉर लूप लगाना है, ठीक है। अब फॉर लूप में क्या कॉन्सेप्ट होगा, पहले तो हमें इनिशियलाइज करना पड़ेगा, क्योंकि 1 से इनिशियलाइज होती है ना, 2 × 1, 2 × 3 × 1, 4 × 1, 1 से तो टेबल होती है, तो 1 से लेकर अब टेबल कहाँ तक होती है, 10 तक, ज़्यादातर केसेस में 10 तक ही होती है। तो कंडीशन वही, आई की जो वैल्यू हो हमेशा 10 से छोटी हो या फिर 10 के बराबर हो। उसके बाद आई को हमने अपडेट कर दिया, यानी कि 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 10, ठीक है। तो उसके बाद एग्जिस्टेंस दिखाने के लिए ये कर दिया और हमने प्रिंट कर दिया %D × %D = %D। अब पहला परसेंट डी तो एक्स को रिफ्लेक्ट करेगा, दूसरा परसेंट डी आई को करेगा और तीसरा एक्स इंटू आई को करेगा। ये सर मैंने एक अच्छा सा इंटरफेस दी है स्क्रीन पर इसलिए लगा दिया, आप जो चाहें वो कर सकते हैं, आगे हम बात करेंगे इसके बारे में भी, ठीक है। तो ये इंटरफेस दिखाने के लिए मैं आपको कंसोल पर ले चलता हूँ, यानी कि इसे प्रोग्राम को रन करा देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए क्या इसका मैंने क्यों इंटरफेस लगाया है। तो रन कराने के लिए सबसे पहले तो हमें गेट सी एच लगाना ही पड़ेगा, ठीक है। तो पहले तो गेट सी एच पुट कर लेते हैं, उसके बाद देखेंगे क्या इसका आउटपुट हमें मिलता है। तो गेट सी एच हमने पुट कर दिया और इसको रन कराएंगे, और रन अभी टेबल मांग रहा, तो चलो दे देते हैं, क्या दें, 4 दे देते हैं, ठीक है। तो 4 की टेबल ये रही, अच्छी सिस्टम एक वे में लग रही है ना, 4 × 1 = 4, 4 × 2 = 8, 4 × 3 = 12, मतलब ऐसे करके 40। तो ये एक अच्छी सी टेबल हो गई। अब इसके बीच में आप चाहें तो क्लियर स्क्रीन भी लगाकर पुट कर सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताई दिया था। अब जैसे कुछ लोग चाहते हैं कि टेबल जो है वही हमें नॉर्मल प्रिंट करानी है, ये कॉम्प्लिकेटेड हमें नहीं करना, तो वो भी कर सकते हैं आप, ये सारी हटाकर सिर्फ एक स्टेटमेंट लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे बल्क में जो भी मैंने इतना सबको लिख रखा है, ये सारे वेरिएबल वगैरह हटाकर सीधे टेबल प्रिंट कर सकते हैं, जो कि नॉर्मल ट्रेडिशन फॉर्म होता है, ठीक है। तो 5 की टेबल देखिए सिंपल आ गई, लेकिन ये थोड़ा अच्छा नहीं लगती, अगर आपको अच्छे से प्रिंट कराना है तो थोड़ा सिस्टमिक वे में रखना चाहिए, ताकि थोड़ा अपना प्रोग्राम भी अच्छा लगे, ठीक है। तो ये हो गया इसका सॉल्यूशन प्रोग्राम का, जहाँ उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ ही गया होगा। अगर नहीं आया हो तो कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं उसको अच्छी तरह समझाने की पूरी पूरी कोशिश करूंगा, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगली प्रॉब्लम की तरफ, देखते हैं अगली प्रॉब्लम क्या है। तो अगली प्रॉब्लम है टू प्रिंट द नंबर ऑफ इवन एंड ऑड नंबर इन द गिवन रेंज, मतलब क्या करना है इसमें। अभी तक जो हम प्रोग्राम कर रहे थे उसमें हमें रेंज पता थी, यानी कि 1 से 10 तक चलाना है, 1 से 100 तक चलाना है। अब हमें रेंज जो है वो यूजर से लेनी है, ठीक है, और उस रेंज में हमें चेक करना है कितने इवन नंबर आते हैं कितने ऑड नंबर आते हैं। तो पहले तो हेडर फाइल इंक्लूड कर लेते हैं और देखते हैं कि क्या होगा इसमें। आप प्रोग्राम में आपको इवन ऑड जो नंबर है वो आपको पता होना चाहिए कि क्या होते हैं, तभी आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि कॉन्सेप्ट तो तभी लगा पाएंगे जब आपको पता होगा इवन नंबर ऑड नंबर होते क्या है। तो सबसे पहले हेडर फाइल इंक्लूड कर लेते हैं और देखते हैं कि आगे क्या हमें करना है, ठीक है। तो अपने दोनों हेडर फाइल जो ज़्यादातर यूज करते ही हम, वो इंक्लूड कर लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो हेडर फाइल इंक्लूड कर लिए, मेन फंक्शन डिक्लेयर कर लिया, उसके बाद आगे प्रोग्राम के बारे में बात करें तो सबसे पहले हमें वेरिएबल डिक्लेयर करने होंगे। वेरिएबल डिक्लेयर कितने होंगे, पहले तो फॉर लूप के लिए होगा, ठीक है। फॉर लूप के बाद रेंज के लिए, इनिशियल पॉइंट और लास्ट पॉइंट के लिए 2 वेरिएबल हमें डिक्लेयर करने पड़ेंगे, यानी कि 3 तो वेरिएबल ये हो गए। अब एक चौथा वेरिएबल होगा नंबर ऑफ इवन नंबर काउंट करने का, मतलब कितने इवन नंबर है उतने काउंट करने के लिए चौथा वेरिएबल। ऑड नंबर काउंट करने के लिए होगा 5वां वेरिएबल। तो यानी कि हमें इसमें 5 वेरिएबल पूरे पूरे डिक्लेयर करने पड़ेंगे। 5 वेरिएबल जो होंगे वो होंगे हमारे इंटीजर टाइप के, ठीक है।
तो इंटीजर टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए सबसे पहले इंट कीवर्ड का यूज़ करना पड़ेगा हमें। तो पांचों वेरिएबल डिक्लेयर हुए हैं, पहला आई फॉर लूप के लिए, और एल एम रेंज के लिए, और एनी नंबर ऑफ इवन के लिए, नंबर ऑफ ऑड के लिए एनओ। इनको हमने इनिशलाइज कर दिया जीरो से, यानी कि हम पहले मान के चल रहे हैं कि नंबर ऑफ इवन नंबर और नंबर ऑफ ऑड नंबर इस समय जीरो हैं, जो भी रेंज दी गई है। आगे जैसे जैसे हमें मिलते जाएंगे हम उन्हें अपडेट करते जाएंगे। तो पहले तो हमने रेंज मांग ली यूजर से प्रिंट एफ स्टेटमेंट के थ्रू, और उसके बाद स्कैन एफ के थ्रू एल और एम के एड्रेस पर इस रेंज को स्टोर करा दिया। अब फॉर लूप लगाना पड़ेगा, और उसके बाद पहले हमें इनिशलाइज करना पड़ेगा एल से। जब हम पे वैल्यू होती थी 1 से लेकर 10 तक करना, तो हम इनिशलाइज करते थे 1 से। अब हम पे रेंज दी गई है, तो हम सबसे पहले स्टार्टिंग पॉइंट से करेंगे एल, और कंडीशन लगाएंगे जो आई है वो हमेशा या तो छोटा हो या बराबर हो एम के, और उसके बाद आई को अपडेट कर देंगे तीसरे ब्लॉक में, जो कि हमारा अपडेशन ब्लॉक होता है। ठीक है, तो फॉर लूप हमने पुट कर दिया, और उसके बाद मेन कॉन्सेप्ट जो है इसमें वो हमें चेक करना होगा पर आई को लेकर। मतलब आई, जैसे आई हमने रेंज दे दी मान लीजिए 2 से लेकर 5 तक, तो पहले आई की वैल्यू क्या होगी, 2। तो 2 को वो चेक करेगा कि इवन है या ऑड है। तो डिसीजन मेकिंग है, तो इफ कंड यूज करना ही पड़ेगा हम। ये वाला इफ एल्स वाला इवन ऑड वाला प्रोग्राम तो हम पहले कर भी चुके हैं। ठीक है, तो इफ वाले कॉन्सेप्ट में हमने लगा दिया आई मॉडुलस बाई 2 इक्वल टू 0, यानी कि इवन नंबर। अगर इवन हो गया तो नंबर ऑफ इवन नंबर को प्लस कर दिया जाए, यानी कि 0 है तो 1 हो जाए नंबर ऑफ इवन, और अगर ऑड है तो वो ऑड नंबर वाले को अपडेट कर दे। ठीक है, तो इससे हमारे नंबर ऑफ इवन और नंबर ऑफ ऑड हमें मिलते जाएंगे। तो ये तो कॉन्सेप्ट हो गया इस पूरे प्रोग्राम का। ठीक है, जैसे 2 से लेकर 5 तक हमने रेंज मानी थी, तो पहले 2 को चेक करेगा, 2 इवन है तो नंबर ऑफ इवन ऑड प्लस कर देगा। उसके बाद फिर आई की वैल्यू आएगी 3, उसके बाद 3 को चेक करेगा तो नंबर ऑफ ऑड प्लस प्लस कर देगा। ऐसे ही वो पूरे प्रोग्राम को करता रहेगा। गेट सीस लगाकर देख लेते हैं इसका आउटपुट हमें क्या मिलेगा। तो इसको कंपाइल कर लेते हैं और देखते हैं इसका आउटपुट हमें क्या मिलेगा। तो पहले तो हम ये रेंज मांग रहा है, तो हमें रेंज लगानी पड़ेगी 2 से लेट्स से 5 तक। ठीक है, तो अच्छा कोई आउटपुट नहीं मिला अभी। क्यों नहीं मिला? क्योंकि हमने जो नंबर ऑफ इवन और नंबर ऑफ ऑड हमने कैलकुलेट करे हैं, वो हमने डिस्प्ले नहीं कराए हैं। मतलब कैलकुलेट तो होगा लेकिन वो डिस्प्ले कराने पड़ेंगे ना। तो पहले हमने डिस्प्ले स्टेटमेंट लगा दिया, प्रिंट एफ नंबर ऑफ इवन नंबर इज दिस एंड नंबर ऑफ ऑड नंबर इज दिस। अभी तो हमें पता चलेगा ना कि नंबर ऑफ इवन नंबर और नंबर ऑफ ऑड नंबर है कितने, हमें प्रिंट तो कराना ही पड़ेगा। तो ठीक है, ये स्टेटमेंट हो गया। अब रेंज देते हैं 2 से लेकर 9 तक, थोड़ी बड़ी रेंज दे देते हैं। नंबर ऑफ इवन नंबर 4, नंबर ऑफ ऑड नंबर भी 4 है। इवन नंबर तो हुआ 2 4 6 8, और ऑड हुआ 3 5 7 9। ठीक है, तो समझ में आ गया क्या क्या हुआ इस प्रोग्राम में। पहले हमने लूप चलाया, जो भी रेंज दी गई है गिवन रेंज, उस रेंज के बीच में लूप चलाया, और एक एक नंबर को हमने चेक करा कि इवन है या ऑड है। अगर इवन है तो इवन वाले को अपडेट कर दो, ऑड है तो ऑड वाले को अपडेट कर दो, ताकि हमें ऑड नंबर इवन नंबर मिलते रहे। ठीक है, 2 से लेकर 9 तक चलाया, तो 2 इवन है तो वो नंबर ऑफ इवन ऑड प्लस कर देगा। फिर 3 में नंबर ऑफ ऑड प्लस कर देगा, तो नंबर ऑफ इवन होगा 1, नंबर ऑफ ऑड होगा 2। ऐसे ही 4 के लिए 2 कर देगा नंबर ऑफ इवन नंबर, और उसको ऑड कर देगा। तो पूरा प्रोग्राम ऐसा ही चलता रहेगा। ठीक है, तो बस ये कुछ प्रोग्राम थे, बेसिक प्रोग्राम थे फॉर लूप से रिलेटेड। अगर आपको और भी प्रोग्राम करने हैं तो इंटरनेट सर्च करके खुद सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि खुद सॉल्व नहीं करेंगे तब तक आपको क्लियर समझ में नहीं आएगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं सॉल्व करूँ तो आप कमेंट में बता दें, मैं सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। तो बस यही था इस वीडियो में आज के लिए, बस इतना ही। देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए रोजाना ऐसी वीडियो लाता रहता हूँ, आपको सिखाता रहता हूँ। धन्यवाद।